देना पड़ेगा। लाइव आते हैं अपन। माइक ऑन राइट। ओके सो गुड इवनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस, गुड इवनिंग मिस्टर राहुल, मिस्टर साहिल चंद्राकर, विधि, अंकित, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? प्लीज आंसर। यस, ओके ओके, फाइन, परफेक्ट। Yes, yes. Good evening, all. Good evening. So, welcome to the start of this new subject in computer science. We are going to study operating system. So, as per your CUT syllabus, we have so many contents to discuss in operating system. Okay, so aap log already operating system bahut acche se pad chuke honge, hum aur acche se padhenge, theek hai? Jo concept bacha hoga, jis concept pe focus nahi hua hoga, wo hum aur acche se karne wale hain, aur sari cheeze from the basic, from the very initial shuru karenge. Generally ab aisa ho raha hai ki jitni bhi MCA ki congratulations, oh ho, Thank you all. Is OS a part of NIMSET? NIMSET में कुछ question पूछ देता है. Yes, Ayush Mishra, definitely. कुछ question पूछे जाते हैं NIMSET में. And CUET में तो काफी अच्छा vast syllabus दिया है, तो maybe chances है कि अच्छे questions पूछेंगे. Okay. Thank you all. So blessed. ओके सो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करते हैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा देते हैं, दैट आई एम अमन खान, परसुइंग माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी भिलाई, कंप्लीटेड माय एमसीए फ्रॉम एनआईटी रायपुर, नेट गेट क्वालिफाइड, टीचिंग एक्सपीरियंस 5 years. ओके सो कंसेप्ट पर आते हैं. अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो, लाइट चालू करना पड़ता है क्या? ओके ठीक. तो कहीं भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप पिंग करिए. सर व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट नॉलेज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम? ओनली बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. मिस्टर शुभम तिवारी, यस, only basics of computer system is required. Okay, so operating system is not an advanced system or not an advanced course. Okay, aur aapse utna depth mein puchega bhi nahi, overview level ke question honge, moderate level ke ho sakte hain, usse zyada nahi, theek hai? To okay, I have done giving my introduction, to seedha seedha concept par aate hain, theek hai? अभी हुआ है मिस्टर सुमित गोस्वामी, जस्ट अब एकदम करेक्ट समय पर आए हैं. ओके सो शुरू करते हैं आज की क्लास. ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आप देख सकते हैं, दो टर्म्स से मिलकर बना है, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग में से आईएनजी हटाएं तो बन जाता है ऑपरेट. ऑपरेटिंग से अगर उसका प्योरिफिकेशन किया जाए तो वो टर्म आता है ऑपरेट. और ऑपरेट का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया? हिंदी में बात कर सकते हैं. ओके सो आर वी कंफर्टेबल इन हिंदी आल्सो, और इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? सो आई नीड टू टॉक मे बी बाइलिंगुअल. चलिए हिंदी में एक अपनी कन्वर्सेशन रखते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग से आता है ऑपरेट, या ऑपरेट से आता है ऑपरेटिंग. ऑपरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चलाना, यूज करना, ठीक है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट कर रहा है,
किसी चीज को चला रहा है, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम कंप्यूटर साइंस के टर्मिनोलॉजी में बात करें, यस यस बिल्कुल बिल्कुल, बाइलिंगुअल इज ओके, थैंक्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है इन विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर साइंस, इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करता है, ठीक है, या चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ओके। अब नाउ सॉफ्टवेयर is majorly there are many other types but majorly divided into two types, application and system. There are other softwares like utility, and you know people have further classified it. We don't want to look into this, only these two, application and system software, okay. Ab samajhte hain ki application software kya hota hai. So students, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी प्रकार के किसी टाइप के एप्लीकेशंस को रन करने में, या आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टाइप के एक्शन को स्पेसिफिक काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। कोई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज नथिंग बट सम टाइप ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी जो आपको परफॉर्म करनी है, वो परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है, द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क related to some application, that is what we call an application software, ठीक है? So अगर application software का कुछ example देखा जाए students, तो application software के बहुत सारे example हैं. For example, कोई word processing software हो गया, जैसे कि MS Word, right? MS Word एक word processing software है, तो वो एक ऐसा set of program है जहां पे आप words के साथ play कर सकते हो, words को process करते हैं, right? कैसे? लेटर लिख रहे हैं, जस्टिफिकेशन देख रहे हैं, कोई भी चीजें टाइप कर रहे हैं, उसके बहुत सारे मतलब यू नो वी कैन क्रिएट नोट्स, वी कैन क्रिएट एप्लीकेशंस, सबके अपने अपने जो जस्टिफिकेशंस होते हैं, बुलेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें देख सकते हैं, राइट? बट क्या आपका वर्ड प्रोसेसर उसके अलावा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता, वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है. क्या है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक है. एप्लीकेशन स्पेसिफिक का मतलब किसी एक एप्लीकेशन के लिए ही बना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, गुड, फेसबुक भी सब यूज करते हैं, राइट? तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है. क्या है? सोशल मीडिया एप्लीकेशंस. ये क्या करता है? आपको सोशल मीडिया कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, सोशली एक्टिव रखता है, आप पोस्ट डालते हैं, आप रील्स बनाते हैं, व्हाटएवर, राइट? तो क्या आपका इंस्टाग्राम आपके वर्ड प्रोसेसर वाला काम कर सकता है, एमएस वर्ड वाला काम कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? क्यों? क्योंकि वो एक अलग एप्लीकेशन के लिए बना है, ओके? उसका बनाने का इंटेंशन अलग है, उसको बनाने की वजह अलग है, उसको बनाने के पीछे जो काम हमको उस एप्लीकेशन से निकलवाना था, उस सॉफ्टवेयर से निकलवाना था, वो डिफरेंट है, राइट? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ इसी टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं, राइट? गेटिंग इट? ओके, फाइन. अब आते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिस्टम सॉफ्टवेयर आर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड एज एन इंटरफेस और एज अ ब्रिज, एज एन इंटरफेस और एज अ ब्रिज बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर सिस्टम, ओके? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और सिस्टम के लिए, यूजर और सिस्टम के बीच में. आप इमेजिन करिए, ठीक है? सो हमारी जो क्लास होती है जनरली बहुत ज्यादा वन वे नहीं होती, थोड़ा क्वेश्चंस पूछे,
थोड़ा डिस्कशन करते हैं, राइट? कंप्यूटर साइंस में डिस्कशन ज्यादा होने चाहिए आई गेस। तो आप थोड़ा इमेजिन करिए इस तरीके से कि आपका जो सिस्टम है, आप उसमें एमएस विंडोज यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, राइट? विंडोज इज नथिंग बट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो हटा दीजिए आपके सिस्टम से, वो हटा दीजिए, क्या आप अपना सिस्टम उतने एफिशिएंटली, उतना इजीली यूज कर पाओगे? कोई भी चांस नहीं। आपने विंडोज के अलावा कभी कोई सिस्टम यूज किया, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया? कौन सा? लिनक्स, ओके। और किसी ने डॉस यूज किया? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने यूज किया? ऑनलाइन वाले कहां गए भाई? कोई जवाब नहीं। तो ओके, मैक, ठीक है। तो सी, आजकल ओके परफेक्ट। सो अगर आप अपनी अपने कंप्यूटर सिस्टम से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप चलाते हैं, अगर वो हटा देंगे, तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना था, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बना था, एक इंटरफेस नहीं मिला था, एक ब्रिज नहीं मिला था, तो ह्यूमंस को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी आती थी, ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर इज अ मशीन, विच टाइप ऑफ मशीन? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स पे काम करता है, ऑन और ऑफ पे काम करता है, ठीक है? तो इतने ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क उससे करवा पाना विदाउट हैविंग एनी इंटरफेस वॉज वेरी डिफिकल्ट, ओके? सो साइंटिस्ट ने सोचा कि चलिए ऐसा करते हैं, कोई एक ऐसा इंटरफेस बनाते हैं जो हमारे लिए क्या काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा, हमारी बातें सुनेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारी बातें सुनेगा और कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा, और कंप्यूटर के हार्डवेयर से कुछ इंस्ट्रक्शन लेगा और हमको हमारी भाषा में बताएगा, ठीक है? मैं जनरली बहुत बार ये एग्जाम्पल देता हूँ जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाता हूँ कि लेट्स से आप में से किसी एक की मीटिंग में किसी चाइनीज के साथ करवा दूं, ठीक है? फ्रॉम समवेयर इन चाइना, बीजिंग और व्हाट इज वुहान, कोरोना वायरस जहां से निकला था, ठीक है? तो अगर आप में से किसी की मीटिंग में वुहान में सेट करवा दूं विद यू नो सम चाइनीज पर्सन, विद एनी चाइनीज पर्सन, तो कैसे करोगे कम्युनिकेशन? क्या कम्युनिकेशन होगी? कोई आइडिया? I know that you don't know Chinese, and that person also, having no idea about Hindi or English, he only knows Chinese. So, very difficult. Very difficult. What I should say? Next to impossible. Right? Let's say. Now, थोड़ा सा आसान कर देते हैं. You both have a dictionary. You are having Chinese dictionary. That guy is having English dictionary. Okay. So, आपको जो भी बात करना है, first you frame your sentence and then check it how it can be converted into Chinese. You know, it's Chinese version, it's Chinese conversion. And फिर आप उनसे बताओ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ. वो भी वही करेंगे जो उनको बोलना होगा. First he will translate his Chinese sentence into English और फिर वो उनको बताएगा कि कैसे होता है, ठीक है? एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो हो गया, बट डिफिकल्ट. नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट डिफिकल्ट, ठीक है? जान बचाने वाली चीजें मांग सकते हैं, भाई पानी दे दो, खाना दे दो, घर जाना है, ये सब चीजें बोल सकते हैं, राइट? उससे ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर सकते. इससे अच्छा एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि एक इंडियन है, एक चाइनीज है, और उन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर है, ठीक है? अब जो इंडियन बोल रहा है, ट्रांसलेटर उसे सुन रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है और चाइनीज को बता रहा है. सिमिलरली चाइनीज जो है वो कुछ बोल रहा है तो ट्रांसलेटर सुन रहा है और किसको बता रहा है? इंडियन को बता रहा है, ठीक? नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट? एवरीथिंग इज सॉर्टेड अंटिल योर ट्रांसलेटर इज गुड, राइट? सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स, दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर और दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर. किसकी तरह काम करता है? ये ट्रांसलेटर की तरह काम करता है. और ट्रांसलेटर क्या करता है? बस
इसकी भाषा उस तक पहुंचाता है, उसकी भाषा इस तक पहुंचाता है। ये तो हुआ पहला पहला क्या बोलना चाहिए, फायदा इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या बोलना चाहिए पहला फंक्शन इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक, नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड सिस्टम। नाउ हाउ टू गो बैक टू माय पीडीएफ इज ओके दिस होम देन फाइल्स। ओह इतना ढूंढना पड़ेगा। ओके यस, सो हमने अभी तक ये सीखा कि एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में ये सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है। एक आध चीजें और ऐड हो सकती है इन फ्यूचर, बट इतना तो पढ़ना ही है हमें। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीजें करता है। विच ओएस इज दिस, आई मीन आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन अंशुल तनवर, विच ओएस इज दिस, कौन से आप अपने सिस्टम के ओएस की बात कर रहे हैं, अपने फोन के ओएस की बात कर रहे हैं? आई एम फेसिंग नेटवर्क इश्यू, मे बी रीजॉइन। फिर उसके बाद हम फंक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू एंड रिसोर्स की शेड्यूलिंग कैसे होती है, आईओ की शेड्यूलिंग, इंटर इनपुट आउटपुट की शेड्यूलिंग, और फाइनली मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये डायग्राम देखिए कि हमारे पास दो मोड है, राइट, एक यूजर मोड है और एक हार्डवेयर मोड है। एक नॉर्मल यूजर हमेशा यूजर मोड पर ही काम करता है, राइट, एक नॉर्मल यूजर हमेशा यूजर मोड पर ही काम करता है। वॉट एवर टास्क यू आर परफॉर्मिंग ऑन योर सिस्टम, यू आर वर्किंग ऑन यूजर मोड ओनली। ओके, जो भी प्रोग्राम्स आप बना रहे हैं, चला रहे हैं, जो एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं, कोई सिस्टम प्रोग्राम्स अगर आप चला रहे हैं, जैसे सी ड्राइव में हम जाके कोई इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ समथिंग, ये सारी चीजें आप अपने यूजर मोड पर करते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर जो होता है दैट इज नथिंग बट अ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट, राइट, एक मैकेनिकल कम इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट होता है, जैसे कि आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपका सीपीयू। तो सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड हो गया, मेमोरी के डिस्क हो गए, चिप्स हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है, हार्डवेयर थिंग्स होती है, हार्डवेयर स्टफ्स होता है। ठीक है, जिसमें हम पेरिफेरल डिवाइसेस देख रहे हैं, सीपीयू देख रहे हैं, मेन मेमोरी की बात करें, सो मेन मेमोरी इज नथिंग बट योर रैम। ओके, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम होता है, दैट इज योर मेन मेमोरी। ठीक, अब इन तीनों के आपस में कम्युनिकेशन के लिए, अब इनका कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि डेटा कहां स्टोर होता है, मेमोरी में। ठीक है, डेटा को एनालाइज कौन करता है, सीपीयू, और डेटा हमें दिखेगा या हम देंगे कैसे, पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू। क्लियर, तो कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, कभी आप सिस्टम ऑन करते हैं या कुछ भी, कोई भी काम होता है, वो सारा इन सब चीजों की वजह से ही होता है। आप अपना एक कैलकुलेटर ऑन करेंगे अगर सिस्टम पे, तो आप किसी पेरिफेरल डिवाइस, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की मदद से कोई नंबर पुट करते हैं, राइट, सिस्टम का या फोन का कैलकुलेटर ऑन करोगे, हमारे लिए पेरिफेरल डिवाइस हमारी टच स्क्रीन है अभी। ठीक है, तो हम 2 प्रेस कर रहे हैं, 3 प्रेस कर रहे हैं, 5 प्लस कर रहे हैं, व्हाटएवर इज इट। ठीक, ये सारी चीजों का पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू इनपुट जा रहा है। ठीक है, कहां जा रहा है, सीपीयू के पास जा रहा है। अब सीपीयू क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, जो भी टास्क सीपीयू को मिला होता है
वो टास्क सीपीयू परफॉर्म करता है, ठीक है। और अगर वो चीजें स्टोर करनी होती है तो वो कहां चले जाती है, मेमोरी में। या इनके बीच में कभी ऐसा हुआ कि मेमोरी से कोई चीज फेच करनी है आपको, तो वो हम मेमोरी से उठा करके सीपीयू में लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है डेटा का, इंफॉर्मेशन का, सिग्नल्स का, इस आदान प्रदान के लिए हमारे पास कोई वे होना चाहिए ना, कोई रास्ता होना चाहिए ना। ये हमारे बसेस, ठीक है, जो हमारे मेमोरी के लिए एड्रेस बस है, डेटा बस है, डेटा अगर फेच करना हो तो, और कंट्रोल बस है, ठीक है। तो तीन टाइप के बस हम पढ़ रहे हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ठीक। एड्रेस बस क्या करता है, सीपीयू जब कभी भी मेमोरी को एक्सेस करता है, सीपीयू जब कभी भी मेमोरी को एक्सेस करता है तो वो ये बताता है कि भाई इस एड्रेस पे ये मेमोरी का ये डेटा रखा हुआ है, ये लेकर आना है। तो उसके लिए हमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो उसके लिए हम इस एड्रेस बस को यूज करते हैं। डेटा, कभी डेटा फेच करना हो, कोई डेटा लेकर के, क्योंकि सी यूजुअली क्या होता है, ओएस ऑन द स्मार्ट बोर्ड, ओके ओके, सो यू आर आस्किंग अबाउट ओएस ऑन द स्मार्ट बोर्ड, मे बी इट इज विंडोज, राइट? यस, यस, विंडोज, ओके, नोट्स, ओके ओके ओके, हैव पेशेंस, विल प्रोवाइड। तो हाँ, हम कहाँ थे, ओके, बसेस में थे। तो एड्रेस को एक्सचेंज करने के लिए, सेंड करने के लिए एड्रेस बस होता है, आपस में डेटा एक्सचेंज करना हो तो उसके लिए डेटा बस होता है। अब डेटा एक्सचेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इस पे आते हैं, ठीक है। तो कोई बता सकता है कि डेटा एक्सचेंज कैसे किया जाता है या क्यों किया जाता है, कोई भी एक तरीका, या क्यों, कोई रीजन? एग्जैक्टली, तो यहां पर भी उसी टाइप की चीजें होती है। उसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में अगर देखें तो क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ रैम होता है, मतलब सीपीयू सिर्फ रैम को जानता है, इतना समझिए, ठीक है। सीपीयू आपके हार्ड डिस्क को कभी नहीं जानता, ठीक है, सीपीयू सिर्फ रैम तक जाता है। सीपीयू की हद है रैम, वो रैम के आगे कभी हार्ड डिस्क में जाके डेटा नहीं ढूंढता। वो क्या करता है, वो एड्रेस इंस्ट्रक्शन भेजता है कि जाओ हार्ड डिस्क से डेटा रैम पे लेके आओ, क्योंकि सीपीयू को सिर्फ रैम को ही फेच करना है। तो जब कभी भी आप कोई भी काम सिस्टम पे कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पीपीटी ओपन है हमारे सिस्टम पे, तो ये डेटा है तो आपके ड्राइव पे या पेन ड्राइव पे या कहीं भी, आपके हार्ड डिस्क में होगा, पेन ड्राइव में होगा, कहीं भी होगा। अगर आपको ये देखना है ये डेटा, तो पहले उस डेटा को उठाकर हमें सेकेंडरी डिवाइस से कहां लाना पड़ेगा, मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, ठीक है। और वो मेन मेमोरी, दैट मेन मेमोरी इज नथिंग बट रैम, ठीक है। तो आपको अपना डेटा उठाकर रैम पे लाना पड़ेगा, उसके लिए हमें डेटा बस की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली जब आप कोई डेटा उठाकर रैम पे लाते हैं, हो सकता है आप उसमें कोई एडिटिंग कर रहे हैं, कोई अपडेशन कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं तो न्यू डेटा है उसे स्टोर करना है, अगेन आपको उसको उठा के कहां ले जाना पड़ेगा, सेकेंडरी में ले जाना पड़ेगा, राइट? तभी वो डेटा जो होगा हमारा स्टोर होगा। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। और इन सब के लिए, इन सबको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस यूज होती है कि भाई कहीं कोई कोलिजन ना हो जाए, कहीं कोई यू नो डेटा का मिसमैच ना हो जाए, कुछ उठा के लाने बोला कुछ उठाकर ले आए, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल बस। कंट्रोल सिग्नल्स पास होते हैं सीपीयू के द्वारा, ठीक है, सीपीयू कंट्रोल सिग्नल्स पास करता है, प्रोसेसर जो होता है, और ये सारी चीजें इसी कंट्रोल बस के थ्रू मैनेज होती है, ठीक है। तो तीन बसें हमने ओवरव्यू फॉर्म में देखी, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। यहां तक कोई डाउट बताइए, नहीं, पक्का, ओके। तो इसी डायग्राम को और थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। हमने यूजर मोड देखा, यूजर मोड में आपके अपने कुछ प्रोग्राम्स, कुछ एप्लीकेशंस चल रहे हैं, सिस्टम से रिलेटेड कोई काम है तो वो चल रहा है। हार्डवेयर हमने देखा कैसे मेन मेमोरी यूज हो रही है सीपीयू के द्वारा, कैसे पेरिफेरल्स इनपुट आउटपुट दे रहे हैं सीपीयू को, कैसे सीपीयू कंट्रोल कर रहा है बसेस के थ्रू इन सब चीजों को, राइट? और जब हम सीपीयू की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके इमेजिनेशन में क्या आता है? वो बहुत बड़ा वाला डब्बा, राइट? हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है वो एक बड़ा सा डब्बा जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, हम उसको ही सीपीयू बोलते हैं, राइट? बट एक्चुअल में सीपीयू क्या होता है? एक चिप होती है, क्या कहते हैं उस चिप को? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? यस, गुड, उसे बोलते हैं हम प्रोसेसर, ठीक है? तो प्रोसेसर हार्डली इतना बड़ा होता है, ठीक, एक बिस्किट के साइज का या उससे भी छोटा शायद, 1/1, ठीक। तो जो प्रोसेसर होता है दैट इज ओनली द सीपीयू, दैट इज ओनली द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अलावा जो चीजें होती है जिसको हम पूरा सीपीयू बोलते हैं, कभी उसका ऑपरेशन करके पोस्टमार्टम करके अलग अलग करके देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है? हार्ड डिस्क होता है, उसका स्लॉट होता है, रैम का, रैम हटाओ अभी तो फिलहाल, SMPS होता है, एक सर्किटरी, एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है, CD/DVD राइटर होता है, फिर उसके बाद अंदर से निकलता है मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड में क्या क्या होता है? रैम के स्लॉट्स होते हैं, रैम के चिप्स होते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, और बीच में एक छोटा सा सीपीयू, ठीक है, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक, या प्रोसेसर जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, आप जो चाहो। क्लियर? गुड गुड, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, यस यस, नाइस। तो ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू, अब जब कभी भी कोई सीपीयू बोलेगा आप वही इमेजिन करिएगा, ठीक है? जब कभी भी कोई सीपीयू बोलेगा वो एक छोटा सा प्रोसेसर दिमाग में आना चाहिए, बिकॉज यू गाइज आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, ओके? इसके अलावा इन सब को, इन सब को, इन पूरे हार्डवेयर को इन पूरे यूजर मोड से इंटरेक्ट कराने के लिए हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके पास कुछ लाइब्रेरीज है, उन लाइब्रेरीज के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है यूजर मोड और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है? तो अगर ये वाला स्लॉट मैं हटा दूं, वाकई हट जा रहा था, देखो, तो अगर ये वाला स्लॉट मैं हटा दूं ऐसे, तो कभी भी ये दोनों आपस में इजीली इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? फिर वो पुराने जमाने में जो अबेकस वाला कंप्यूटर होता था ना, बिट्स में काम करना पड़ता था, और जो सिस्टम होते थे वो 100 by 100 feet होते थे, 100 feet by 100 feet, तो कितना हो जाता है वो, 10,000 feet शायद, राइट? 10,000 square feet का एक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जिसमें ट्रांजिस्टर्स और पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। तो ये आने से, ऑपरेटिंग सिस्टम के आने से, हमारा इंटरेक्शन जो है हार्डवेयर के साथ बढ़ गया, हम हार्डवेयर को जानने लग गए, हम हार्डवेयर को समझने लग गए, या ऐसा कहें कि एक्चुअल में हार्डवेयर को देखने लग गए, ठीक है? तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई पर्सन होता तो वो हमको क्या बोलता, ठीक है, ये बोलता, ठीक, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है यूजर को हार्डवेयर से इंटरैक्ट कराना, ठीक है, यूजर और हार्डवेयर की दोस्ती कराना, ठीक है, उनको मिलवाना और उनको आपस में एफिशिएंटली काम करने देने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना। क्लियर? सर, ये लाइव क्लास पर डे है, अभी फिलहाल कुछ बोल नहीं सकते, शायद हाँ शायद ना, टाइमिंग यही है सर, यस, आज पढ़ लो धीरज आप पहले, ठीक है, चलिए। तो यही काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बाबू भैया कर रहे हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं हम इसके फंक्शंस पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्लाइड, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक, प्रोसेस मैनेजमेंट। सर, ऐसी क्लास रोज मिलेगी, होपफुली, हाँ कुछ दिन तो मिलेगी जब तक आपका कंप्यूटर साइंस का कोर्स कंप्लीट नहीं होता, और उसके बाद भी मिलेगी। चलिए, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अगर कंप्यूटर साइंस की भाषा में बोला जाए तो, लिखिए मत, ये आप लोगों के पास है, किसी एक को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ, भाई ये शेयर कर देना, जैसे भी होता है, ठीक है ना, ये इसमें ही है,
आप लोग आपस में भी शेयर करिए, ऑनलाइन स्टूडेंट से भी शेयर करिए, ठीक है? ज्यादा नहीं है, कुछ ही स्लाइड है और मैं इसमें और ऐड करते चलूंगा पैरेलली। तो ये हम एक काइंड ऑफ क्या बोलना चाहिए, छोटा सा शॉर्ट नोट बन जाएगा हमारा, ठीक है? आते हैं अब प्रोसेस मैनेजमेंट पे, ठीक? प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम के टर्म्स में? सो व्हाट इज अ प्रोसेस? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ओके, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब कभी भी एक प्रोग्राम आप बना कर रखते हैं और सेव कर देते हैं, दैट इज ओनली अ प्रोग्राम, दैट इज ओनली अ प्रोग्राम, ठीक है? बट जब वो एग्जीक्यूट होता है तब वो क्या बन जाता है सिस्टम के लिए? एक प्रोसेस। क्या बन जाता है? एक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए आपने एक आईडी ओपन किया या कोई एक टर्मिनल ओपन किया जहां आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, जब तक आप प्रोग्राम लिखे हैं या लिख रहे हैं, सीपीयू आपको ऐसे खड़े होकर देख नहीं रहे कि जैसे तू लिख रहा है चेक करता हूं मैं सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा होता है कि आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और लिखने लिखने में एरर आ गया? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि तब सीपीयू आपको वॉच नहीं कर रहा होता है, ठीक है? तब आप सीपीयू की उसमें नहीं होते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं होते हैं, ठीक है? आप अपना काम कर रहे हैं, सीपीयू पैरेलली अपना काम कर रहा है, ठीक है? बट जैसे ही आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, नाउ सीपीयूज रोल हैज कम। अब वो क्या करेगा? थ्रू कंपाइलर, थ्रू मेनी अदर थिंग्स, अब वो आपके प्रोग्राम्स को रन करना शुरू करेगा, उनको चेक करना शुरू करेगा। वो ये देखेगा कि आप किस तरीके से हार्डवेयर से कंप्यूट कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, सीपीयू का रोल आ गया, ठीक है? तो जब कभी भी सीपीयू का रोल किसी प्रोग्राम में आता है तो वो प्रोग्राम नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है, ठीक है? हमारे लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीपीयू को बिजी रखना। क्या होता है? सीपीयू को बिजी रखना, क्योंकि हमारा सीपीयू जो है बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, हाईली केपेबल है, बहुत ज्यादा केपेबल है, बट हम उससे एफिशिएंटली उतना काम करवा नहीं पाते, राइट? फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें यूजर से दो नंबर लेना है और उनका सम करना है, ठीक है? अब आपने वो प्रोग्राम चलाया, अब यूजर से दो नंबर लेना है, नाउ सीपीयू इज वेटिंग कि आप दो नंबर दो तो मैं सम करके दूं, और आप बैठे हो बढ़िया अपना कुछ काम कर रहे हो, तो क्या होगा? सीपीयू का वो जो साइकिल है वो आइडल जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। क्यों वेस्ट जा रहा है? क्योंकि सीपीयू इज वेटिंग फॉर यू, राइट? ये मैं पुराने जमाने के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम वहां से चल रहे हैं, राइट? अभी ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो स्विच करके अपना काम करने लग जाता है, वेट करता है, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें हैं ये पुराने में होती थी। तो सीपीयू क्या कर रहा है? देख रहा है कि यू नो आई एम वेटिंग फॉर योर इनपुट, एंड वंस यू गिव इनपुट, वो मुश्किल से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एक सेकेंड भी नहीं बोलूंगा, कुछ सेकेंड के फ्रैक्शन में वो क्या करता है? आंसर दे देता है। तो सीपीयू बहुत एफिशियंट है, बट वो इनएफिशियंट क्यों हुआ? आपकी वजह से, राइट? तो हमारा जो सीपीयू है, हमारा जो प्रोसेसर है, वो हाईली एफिशियंट है, बट हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते, ठीक है? और इसी मैनेजमेंट को, कि सीपीयू के जो प्रोसेस आ रहे हैं इसको किस तरीके से इतने अच्छे से मैनेज किया जाए, इतने सही तरीके से मैनेज किया जाए कि सीपीयू जो है उसको हम ज्यादा से ज्यादा उससे काम निकलवा सके, सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके, इसी को बोलते हैं हम प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है? तो जो प्रोसेस हमने इस प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे पहले ये देखा कि प्रोसेस क्या होता है, राइट? प्रोसेस क्यों बना, प्रोग्राम से प्रोसेस क्यों आया, क्योंकि उसमें सीपीयू के इंटरवेंशन इंक्लूड हुए, ठीक? उसके बाद दिस इज शोइंग सम ऐसे वाला साइन, ब्लरी, आप लोग में भी ऐसा कुछ आ रहा है क्या? चेक करो। तो सीपीयू जो है वो लाइन आ रही, राइट और नॉट आ रही है? आई गेस, बिकॉज वहां भी दिख रही है मुझे। ओके, रेनबो स्क्रीन डैमेज, नॉट डैमेज, स्क्रीन इज नॉट क्लियर। यस, प्लीज वेट, हैव पेशेंस। FPS problem, oh, technical. चलिए, so finally the screen is okay.
इट्स ओके नाउ. या सो वेयर वर वी. हाँ, हम ये देख रहे थे कि हमने प्रोसेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और क्यों फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हमने समझा. ठीक है. यस. सो दूसरे अगर हम फंक्शन पे आए तो पहला फंक्शन क्लियर है, राइट, सबको, कि प्रोसेस को मैनेज करता है. प्रोसेस क्या होता है? जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं. क्यों मैनेज करने की जरूरत है? हमने देखा भाई कि हो सकता है एक प्रोसेस के आइडल होने की वजह से हमारी एफिशिएंसी कम हो जाए. ठीक है. मल्टीपल काम भी तो होते हैं. मान लीजिए आप कोई कोड लिख रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, बैकग्राउंड में गाना सुन रहे हैं, राइट. और ही एक टैब में लेट्स से आपने कुछ जीपीएस ट्रैकर वगैरह ऑन करके रखा है, लोकेशन वगैरह चेक कर रहे हैं, या गूगल मैप वगैरह ऑन करके रखा है. मल्टीपल टास्क, ये सारी चीजें सीपीयू परफॉर्म कर रहा है, राइट. अब सीपीयू को ये सारी चीजें टाइम टू टाइम मैनेज करनी है. पहले के जो ऑपरेटिंग, अभी तो ऐसा होता है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आ गए हैं, राइट. मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा प्रोसेसर, मतलब एक से ज्यादा सीपीयू. तो दो सीपीयू रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, चार रहेंगे तो और ज्यादा काम करेंगे. बट जब एक सीपीयू भी था, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम भी था, तब भी तो हम मल्टीपल टास्क कर पाते थे. कैसे कर पाते थे? एग्जैक्टली. जो हमारा सीपीयू था, जैसे कि मैंने बताया, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में काम करता है, राइट. तो वो इतना फास्ट मल्टीपल चीजों के बीच में स्विच करता था. मतलब आप समझ जाइए कि एक ही सीपीयू जो आपको गाना भी सुना रहा है, एक ही सीपीयू है जो आपकी कोडिंग के एरर्स को भी चेक कर रहा है, एक ही सीपीयू है जो आपकी लोकेशंस को भी चेक कर रहा है, या हो सकता है किसी को ट्रैक कर रहा है तो वो भी अपडेट कर रहा है टाइम टू टाइम, राइट. एक सीपीयू तीनों चीजों को एक ही समय पे कर रहा है. कैसे? फास्टली स्विच करके. ठीक है, एकदम रैपिड स्विच. आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये वाला एप्लीकेशन रुका और ये वाला एप्लीकेशन हुआ, फिर ये रुका और ये हुआ. इतना फास्ट स्विचिंग सीपीयू में होती है. ठीक है. तो ये सारी चीजों को मैनेज प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है. प्रोसेस मैनेजमेंट क्लियर टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स? ऑफलाइन को क्लियर है, ऑनलाइन बताइए. प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट कोई डाउट? कोई भी डाउट प्रोसेस मैनेजमेंट में? ओके, क्लियर टू राहुल, क्लियर टू साहिल. ठीक है, ठीक है. किसी और, किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट. ठीक है. मेमोरी मैनेजमेंट is one of the important functions of operating system. Because जब कभी भी मैं मेमोरी पढ़ाता हूँ तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, एंड द स्टेटमेंट इज दैट इन द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट. मेमोरी इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट. मेमोरी सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज होती है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज होती है. ठीक है. और उसका मैनेजमेंट सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है. उसको अगर एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया गया तो हम पूरा सिस्टम, पूरा फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्यूरेटली मैनेज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अब आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर. ठीक. सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास किन किन टाइप की मेमोरीज होती है. अगर मेमोरी को बेसिकली कैरेक्टराइज किया जाए तो एक प्राइमरी और सेकेंडरी, दो ब्रांचेस उसकी निकलती है, राइट. एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी. हाँ, कोई डाउट? हाँ, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है. तो हमेशा याद रखना, जो सीपीयू के लिए इंपॉर्टेंट है वही प्राइमरी है. ठीक है. रैम. ठीक है. सीपीयू के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही प्राइमरी है, एंड दैट इज नथिंग बट योर रैम. यहां पर हम लिख सकते हैं, राइट, इसके थ्रू. तो अगर हम मेमोरी को फर्दर क्लासिफाई करें स्टूडेंट्स, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाई होता है. प्राइमरी में सबसे पहले आता है रैम. ठीक है. रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम. रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है? कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं.
ठीक है, इसका मतलब रैम के पूरे चिप में डेटा किसी भी कोने में हो आप उसको एक बार में एक्सेस कर सकते हो, इसलिए रैम फास्ट है, इसलिए रैम फास्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक 100 कमरे की बिल्डिंग है, एक 100 कमरे की बिल्डिंग है और सारे 100 के 100 कमरे फर्स्ट फ्लोर में है। ठीक है, सारे के 100 के 100 कमरे फर्स्ट फ्लोर में और सबके ऊपर नंबर लगा हुआ है, स्टिकर, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 अप टू रूम नंबर 100। आप में से किसी को भी उठाकर बोलूं जाओ रूम नंबर 99 से एक बुक लेकर आना, आसान होगा, इजी होगा, जाएंगे आप एक ही फ्लोर में है वहां देखेंगे रूम नंबर कहां है और लेकर आ जाएंगे, राइट। अब उसको सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज कर दे कि ये जो 100 रूम है वो 40 मंजिल की बिल्डिंग में है, ठीक है, या 20 मंजिल की बिल्डिंग में है। तो अगर 20 मंजिल की बिल्डिंग में 100 रूम है तो एक बिल्डिंग, एक फ्लैट, एक फ्लोर में कितने रूम आएंगे बताओ? 5। 20 माले की बिल्डिंग है ना, हाँ 5-5 रूम आएंगे। ठीक है, अगर वो सीक्वेंशियली भी है 1-5 उसके बाद 6-10 उसके बाद 11-15, अगर मैं बोलूं कि अब जाइए 19th नंबर की उससे क्या बोलते हैं रूम नंबर से एक बुक लेकर आई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे रहने दो सर, इतना नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको एक फ्लोर में जाना पड़ेगा, दूसरे फ्लोर में जाना पड़ेगा, तीसरे, सीक्वेंशियली चीजों को काम करोगे। ठीक है, आप तुरंत जाकर पिक नहीं कर सकते उसको, ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम क्रिश वाला या वो सुपर हीरो वाला अपने पास पावर सीधा किसी फ्लोर में एक बार में पहुंच गया और वहां से डेटा उठा करके लिया, पॉसिबल नहीं है, नीचे से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं आपको तीसरी मंजिल में जाने बोलूं तभी भी आप नीचे से जाओगे, पांचवी में जाने बोलूं तभी भी आप नीचे से जाओगे, राइट। और अगर ये चीज मैं चार बार करवाऊं तो पहले मैं बोलूं जाओ रूम नंबर 5 से लेकर आओ, अब जाओगे लेकर आ जाओगे, बोलो वापस आने के बाद बोलूंगा अच्छा ऐसा करो रूम नंबर 8 जाओ, तो आप जाओगे चढ़ोगे रूम नंबर 8 से डेटा लेके आओगे, वापस आओगे बुक लेके, मैं बोलूंगा अच्छा ऐसा करो आप 9 पे जाओ, तो क्या बोलोगे? सर पहले बोलना था ना वहीं पर तो था, मैं बाजू से लेके आ जाता। ठीक है, ये वाले बेचारे ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो आते हैं ना वो सिक्वेंशियल एक्सेस होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, ये सिक्वेंशियल एक्सेस आते हैं। ठीक, तो रैंडम जो है वो हमारे पास एक क्लिक में एक स्विच में अवेलेबल होने वाले डेटा होते हैं, और यह ऐसी मेमोरी जिसको हम एक बार में एक्सेस कर सकते हैं चाहे वो डेटा कहीं पर भी हो, हमको सीक्वेंस कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। ठीक, जिसमें हमारा स्टैटिक रैम आता है, डायनामिक रैम आता है और बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, इनको डिटेल में अलग मेमोरी मैनेजमेंट के सेक्शन में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, अभी बस हम टाइप समझ लेते हैं कि एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। ठीक है, एक जो होता है वो कंटिन्यूअसली फ्लश नहीं करता मेमोरी को, और एक जो है वो थोड़ा कंटिन्यूअसली फ्लश ज्यादा करता है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे होता है। नाउ अगेन, जो बच्चे अधिकतर गलती करते हैं वो ये है कि रोम को बच्चे सेकेंडरी मेमोरी मानते हैं। ठीक है, हाँ, और भारत में एक चीज बहुत खतरनाक है कि अगर कोई बोल दिया हम तो ये मानते हैं तो फिर उसको उससे चेंज करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं ना बहुत सुपर स्टिशियस होते हैं, बिल्ली रास्ता काट दिया तो रुके हैं, पहले पीछे वाला ठोक दे मर जाओ लेकिन रुके हैं, क्यों? हम तो मानते हैं भाई कि बिल्ली रास्ता काटती तो कुछ गंदा हो जाता है। ठीक है, होता है ना जनरली ऐसा, कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम कुछ बात कर रहे हैं कोई भी टॉपिक पे और किसी ने स्नीज कर दिया, छींक दिया तो बात नहीं होती, मतलब वो जो चीज होने वाली होती है वो होती ही नहीं है ना। तो बहुत अलग अलग तरह के सुपरस्टिशन हमारे इंडिया में होते हैं, राइट। हाँ, चप्पल अगर उल्टी है तो झगड़ा होता है, क्यों होता है? उसका रीजन बोलते नहीं हम मानते हैं ऐसा। ठीक है, तो उसी तरह रोम को भी बहुत लोग मानते हैं कि वो कहाँ आता है सेकेंडरी में, लेकिन ऐसे मानने से नहीं होगा, वो कहाँ आता है? प्राइमरी सेक्शन में आता है। ठीक है, वो प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। ठीक, अब हम आते हैं थोड़ा सा रोम की तरफ। रोम इज नथिंग बट रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट, इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, आपको क्या करना है सिर्फ उसको रीड करना है।
तो ऐसा क्या डेटा इसमें रखते होंगे जिसको सिर्फ रीड कर रहे हैं, उसमें कुछ डाल नहीं रहे, हर बार उसका यूज हो रहा है लेकिन बस हम उसको क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसमें कुछ डाल नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले रोम की जरूरत क्यों पड़ी, वहां पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो सीपीयू है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपका जो सीपीयू है वो सिर्फ रैम को जानता है, राइट। और रैम का नेचर कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। रैम होता है वॉलेटाइल। क्या होता है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? पावर गया, रैम खाली। एक बार पावर उड़ा और रैम पूरा खाली। आप सिस्टम स्विच ऑफ करो, ऑन करो, रैम क्लियर। आप रीस्टार्ट करो सिस्टम, रैम क्लियर। ठीक है, तो हमारा सीपीयू जो है वो सिर्फ रैम को जानता है और रैम एक बार स्विच ऑफ होने के बाद खाली हो जाता है। अब सीपीयू को यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम कहां स्टोर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहां होता है, कोई बता सकता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कहां है? नहीं बंद हो तब नहीं, एक्चुअल में आप ऑन करके मुझे बता सकते हो कि सर यहां मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है? यस, दैट इज द आंसर। सी ड्राइव में, आपके सी ड्राइव में ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। और सी ड्राइव कहां होती है? सेकेंडरी में। आप अपने हार्ड डिस्क का पार्टीशन करते हो, राइट। देखो कंसेप्ट क्लियर रखो बच्चों, आप अपने हार्ड डिस्क का पार्टीशन करते हो, ठीक है। ए बी सी, ए बी नहीं बनाते, सी डी ई बनाते हैं, राइट। तो सी डी ई बनाते हैं। एक क्वेश्चन कल के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए, हम ए बी ड्राइव क्यों नहीं बनाते, लिख के रखो, मैं पूछूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर इसका, ठीक, कि हम सीधा सी डी ई एफ जो बनाते बनाते ए और बी क्यों नहीं बनाते, ठीक है। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे, कि हम अपने हार्ड डिस्क को पार्टीशन कर रहे हैं, सी डी ई सब ड्राइव बना रहे हैं, सी ड्राइव को सेव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी डिवाइस फाइल्स होती है, जितने भी सिस्टम फाइल्स होती है, सब उसमें होती है, इंक्लूडिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया आपका सेकेंडरी डिवाइस में, ठीक। सीपीयू जानता है बस रैम को, ठीक। अब सिस्टम हो गया बंद, रैम हो गया खाली, रैम हो गया खाली। अब सीपीयू को यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं मिलेगा जो कि यहां पर है, और रैम खाली है तो सीपीयू कुछ कर नहीं सकता, और सीपीयू कुछ करेगा नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां आएगा कैसे? समझ में आया? एक बार उसको और देखिए। हाँ, सी ड्राइव, हार्ड डिस्क, जितने जितने लोगों ने जो जो यहाँ पर आंसर दिया है, दैट इज करेक्ट। बायोस रोम में होता है क्या सर? यस सुमित गोस्वामी जी, बिल्कुल। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, देखिए बहुत एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सिस्टम को तब तक इधर देखो, क्या बात कर रहे हो भाई, चलते कंप्यूटर से बहुत जोर से करंट लगेगा, ठीक है। जोकिंग, चलते सिस्टम से रैम निकाल लोगे अगर, तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, बंद, ठीक है, चलेगा ही नहीं। अगर उसमें सिर्फ एक ही रैम है तो प्रोवाइडेड, ठीक है। हाँ, कैसे इंटरेक्ट करोगे, कर ही नहीं सकते। आप एक टीबी का हार्ड डिस्क ले लो, आपको 2 GB का रैम जरूरी है, कम से कम 2 GB का रैम जरूरी है, ठीक है। तो आपका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट ये रखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी में होता है, बंद होने के बाद सीपीयू सेकेंडरी से कुछ कर नहीं सकता, तो सेकेंडरी से प्राइमरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर कौन आएगा हर बार? रोम आएगा, या रोम में स्टोर प्रोग्राम आएगा, ठीक है। जब कभी भी सिस्टम ऑन होता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बूट लोडिंग। क्या बोलते हैं? बूट लोडिंग। और ये बूट लोडिंग कौन करता है? बूट लोडर करता है, ठीक है। तो बूट लोडर का काम क्या होता है? बूट लोडर का काम कुछ नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम को सी ड्राइव जो सेकेंडरी में है वहां से उठाता है और कहां ले जाकर रख देता है? रैम में रख देता है, रैम में। और ये बूट लोडर खुद कहां रहता है? रोम में रहता है। तो इससे ये समझ में आया कि सिस्टम बंद भी हो जाए तब भी रोम का प्रोग्राम फ्लश आउट नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको सिर्फ रीड ओनली बनाया है, क्योंकि इसका एक ही काम है, इसका सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? कि वो यहां से चीज उठाएगा और उधर ले जाकर रख देगा, और वो चीज भी स्पेसिफिक है, सिर्फ सिस्टम फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स।
कहां से उठाएगा? ड्राइव से उठाएगा, आपकी सी ड्राइव से, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से उठाएगा, और कहां रख देगा उसको? प्राइमरी स्टोरेज, यहां यानी कि रैम में रख देगा। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, रोम को भी देख सकते हो, रोम को भी देख सकते हो। रोम इस तरीके का एक ब्लैक कलर का चिप होता है। पहले बोलते तो मैं एक स्लाइड में डाल देता फोटो, ऐसे होता है बस, बिल्कुल ब्लैक कलर का इतना सा, है ना। तो ये जो रोम होता है, ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो बहुत छोटी होती है, और इसका बस एक ही काम होता है, ठीक है। इसमें दो तीन फंक्शनैलिटीज और ऐड होती है इसी रोम में, इसे हम बोलते हैं पोस्ट, या एक और होती है बायोस, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सारा चीजें इनका बेसिक प्रोग्राम जो होता है बायोस का, रोम में होता है, ठीक है। पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सर सी ड्राइव में ओएस तो 50 GB का होता है और रैम सिर्फ 4 GB का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेस्ट। ये क्वेश्चन मुझसे PhD में पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर जरूर दूंगा अंशुल में, ये वाला जो कंसेप्ट है मेरा पढ़ा लेने दीजिए उसके बाद तुरंत। तो पोस्ट जो होता है दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही पावर ऑन होता है तो रोम क्या, रोम का ये जो पोस्ट वाला प्रोग्राम है ना, वो क्या करता है मालूम? चेक करता है सब चीज है या नहीं है, ठीक है। कभी आप लोगों ने रॉकेट लॉन्चिंग या ऐसा कुछ का टेलीकास्ट देखा है? टेलीकास्ट, या फिर एक मूवी आई थी ना मिशन मंगल, मिशन मंगल देखा? एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए वो हर एक चीज को टेस्ट करते हैं पहले। उड़ाना होता है, जब वो रॉकेट लॉन्च करना होता है वो पहले ये देखते हैं टेम्परेचर सही है, तो उसका एक बीप बनता है कि हाँ ओके है। उसके बाद देखते हैं कि सारे पेरिफेरल सही से लगे हुए हैं, उसका एक बजर होता है, हाँ ओके है। उसके बाद वो लोग ये देखते हैं कि इंजन वगैरह सब फंक्शन सही से कर रहा है, कर रहा है, ओके है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यही करता है। जब सिस्टम ऑन करता है, माउस जगह पे है, कीबोर्ड जगह पे है, रैम करप्टेड नहीं हुआ है, हार्ड डिस्क से हम डेटा उठा के ला सकते हैं। सब कुछ करने के बाद फिर यहाँ पर ये बूट लोडिंग होती है, जहां से हम क्या करते हैं, उठा करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे लाकर रख देते हैं। नाउ मिस्टर अंशुल तनवर इज हैविंग अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड लुक आंसर इज ऑल्सो गिवन बाय सुमित गोस्वामी, के अगर सर रैम 4 GB का होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम 50 GB का होता है तो कैसे उठाकर ले आता है रैम? अगर उसको जनरलाइज, अभी वर्चुअल में ना जाए, जनरलाइज में देखे तो दैट इज नथिंग बट मेमोरी स्वैपिंग। मेमोरी स्वैपिंग, पहले वही चीज उठा के लाई जाती है जिनकी जरूरत है, उसके बाद जब कोई डिमांड आती है तो बाकी मतलब जो अननेसेसरी चीजें होती है उनको हटा करके हम दूसरे को लेकर आते हैं, ठीक है। और इसीलिए स्टूडेंट्स, इसीलिए अगर आप 4 GB का रैम लगाते हैं तो आपका सिस्टम स्लो चलता है, और जब आप 8 GB का रैम लगाते हैं तो आपका सिस्टम फास्ट चलता है। रीजन इज एज सिंपल एज दैट, 4 GB का स्टोरेज कम होता है, सीपीयू सिर्फ 4 GB एक्सेस कर पाएगा। तो अगर 4 GB के बाहर का कुछ डेटा लोगे तो पहले रैम को ऑपरेटिंग सॉरी हार्ड डिस्क के पास जाना पड़ेगा, वहां से डेटा लेके आना पड़ेगा, उसके बाद सीपीयू एक्सेस करेगा, तो इसलिए 4 GB का रैम थोड़ा स्लो हो जाता है। वहीं 8 GB के रैम में 8 GB डेटा स्टोर होगा, तो वो जो स्विचिंग 4 GB में हो रही थी वो पहले 8 GB फुल होगी, उसके बाद ही रैम जो है वो कहां जाएगा, ऑपरेटिंग सॉरी हार्ड डिस्क के पास जाएगा और वहां से डेटा उठाकर लाएगा। और ये जो हम बोल रहे हैं कि रैम जाएगा, रैम कहीं नहीं जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस जाते हैं रैम के थ्रू हार्ड डिस्क में और हार्ड डिस्क के थ्रू रैम पे। क्लियर? किसके थ्रू? वही जो हम एड्रेस बस डेटा बस देख रहे थे ना, उनके थ्रू। क्लियर हुआ? तो यही चांस है, मतलब यही रीजन है कि आपके बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं 10 GB के, 12 GB के, वो 4 GB रैम में चल जाते हैं, राइट, बट स्लो चलते हैं। रीजन समझ में आया? ओके, अब आगे आते हैं। अच्छा, यहां तक कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ओके, आर यू हैविंग एनी डाउट अंशुल? इफ यस यू कैन रेज योर क्वेश्चन, इफ नॉट डन। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखो, प्रोसेस और मेमोरी के बाद जो हमारा एक बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, दैट इज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि बेसिकली
जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एक डायरेक्टरी या एक ट्री की तरह चीजों को स्ट्रक्चर करके रखता है, ठीक है। और वो जो फाइल्स होती है हमारी, वो किसी स्ट्रक्चर मैनर में कहीं ना कहीं पर स्टोर होती है, आपस में लिंक्ड होती है चीजें, ठीक है। तो जनरली ये होता है कि एवरीथिंग एवरीथिंग इन द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ फाइल। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हर चीज क्या है, एक फाइल है। आपके क्या बोलना चाहिए, सॉफ्टवेयर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी जो प्रोसेस मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो मेमोरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें एक फाइल में ही स्टोर है, ठीक है। और इतनी तादाद में होती, कभी आप लोग शायद मुझे पता नहीं ड्राइव सी खोल के देखते हैं या नहीं, सी ड्राइव खोल के देखेंगे, सी ड्राइव के अंदर अगर आप कोई सिस्टम ड्राइव में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ फाइल्स होती है, बहुत सारी छोटे छोटे एक्शंस के लिए एक फाइल बनी होती है, ठीक। एग्जैक्टली तो इन फाइल्स को एक्सेस करने में, इन फाइल्स को एक्सेस करने में टाइम लगता है, राइट, टाइम लगता है। इन फाइल को सिक्योर करने में, मैनेज करने में एफर्ट लगता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है कि कितना एफिशिएंटली उन सारे फाइल्स को वो मैनेज कर पाए, उन सारे फाइल्स को वो मैनेज कर पाए, क्लियर। अब मेमोरी स्वैपिंग के टाइम मेमोरी क्रैश हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है कोमल कुमारी, बट देयर आर सर्टेन वेज टू कोप अप विद दैट। ओके, मेमोरी स्वैपिंग के टाइम मेमोरी क्रैश हो सकती है, और इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है, राइट। कभी कभी ऐसे देखना, आपको ये अचानक से तुरंत आपने एक पीडीएफ इंस्टॉल किया है, आप उसको ओपन करिए और सीधा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, वो ब्लैंक आ जाता है पहले, राइट, फिर धीरे धीरे उस पर कंटेंट आने लगते हैं, राइट। वो भी इसी वजह से होता है, क्योंकि वो डेटा जो है अभी तक पहुंचा नहीं होता है ना, इस वजह से, ठीक। डेडलॉक नहीं, डेडलॉक देखो एक बड़ी चीज होती है, ठीक है। डेडलॉक का कंडीशन अलग होता है, आजकल के सिस्टम दे आर फार इंटेलिजेंट, ओके, सो डेडलॉक अवॉइड करना बहुत अच्छे से समझते हैं वो। सो फाइल जो है इनका जो मैनेजमेंट होता है सीपीयू करता है, सीपीयू एज अ फंक्शन लेता है और उनको बहुत अच्छे से एक हायरार्की बनाकर रखता है, किस वे में कौन सी फाइल को कैसे किसके थ्रू एक्सेस करना है, ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है। इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना है अभी, ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है आपके, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है भाई? तो देखो आपका सिस्टम जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस का असेंबल्ड एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। आप अगर अपना लैपटॉप भी देखेंगे तो आपको नीचे एक कीपैड दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर एक स्क्रीन दिखेगी, अंदर बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं। तो ये सारे डिवाइसेस एक साथ मिले हैं, और जब ये सारे डिवाइसेस एक साथ मिलते हैं तो इनका कंपैटिबल होना जरूरी है, समझ रहे हो, कंपैटिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर आप जैसे बोले हैं मतलब, अच्छा, ओके। कि रैम में 4 GB का हो तो 5 GB का एक्सेस नहीं हो सकता है उसी टाइम में, तो पॉसिबल है कि मेमोरी क्रैश हो सकती है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, मेमोरी क्रैश हो सकती है, डेड लॉक इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर स्वैपिंग ना हो तो डेफिनेटली मेमोरी क्रैश होती है, ठीक है। आप लोगों ने पता नहीं कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन चलाया या नहीं चलाया, छोटे से रैम में जनरली यही होता है कि वो जितना डेटा ले पाता है ले पाता है। अब देखो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है, रैम में कुछ अदर यूजफुल फाइल्स भी है जो चाहिए, कीबोर्ड का ड्राइवर रैम पे है, माउस का ड्राइवर रैम पे, ये सारी चीजें रैम पे। उसके बाद जो स्लॉट अवेलेबल है, उस अवेलेबल स्लॉट में भी आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, हद से ज्यादा उसमें डेटा डालोगे तो फिर वो इधर चीजों को खसका नहीं सकता, और जो चीज चाहिए वो भी चाहिए और एक नया भी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो उसमें क्या हो जाता है, उस कंडीशन में सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है, कि ना वो एसेंशियल चीजों को हटा सकता रैम से, और ना उसके पास जो चीजें हैं वो सफिशियंट है और उसको चाहिए बट उसके पास जगह नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हैं तब सिस्टम क्या होता है, क्रैश होता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा शुरू में कि मेमोरी इज द क्रूशियल थिंग, और क्रूशियल क्या बोलना चाहिए, एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ओके। अच्छे से यूज नहीं हुआ तो जाएगा। हाँ फिर से बोलो, कम अगेन, वो क्रैश होता है कि सिस्टम क्रैश। सिस्टम क्रैश हो जाएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सिस्टम क्रैश कैसे होगा कि दो तरीके हो सकते हैं उसके। सिस्टम क्रैश कब होगा,
जब आपकी तीसरे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है या सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट आ गई जो वो उसको रैम पे लेकर नहीं आ सकता तो सिस्टम क्रैश होगा। बट अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ है वो नहीं लेकर आ सकता, आप उसको क्लोज ऑल करो, कंट्रोल एस्केप करो, बहुत सारी चीजें होती है ना जो सब चीजें बंद कर देती है, वो सारी चीजें बंद करो, आपका सिस्टम रेडी, क्योंकि जैसे वो सब बंद करते हैं रैम से सब हट जाता है, राइट, रैम से सब हट जाता है तो वो थोड़ा मतलब इजी हो जाता है उसके लिए। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही वाला, राइट। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक। डिवाइस की बात करें तो जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे सिस्टम में मल्टीपल डिवाइसेस है, ठीक है, हम कभी प्रिंटर जोड़ देते हैं हमारे सिस्टम पे, ठीक, हम कभी कोई और इनपुट आउटपुट डिवाइस जोड़ देते हैं, सबके अपने अपने डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ठीक। डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताते हैं कि मैं इस टाइप का हूं और मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज को हार्डवेयर को बताता है कि ये ऐसा डिवाइस है और ये इस तरीके से काम करेगा और इसको इस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो जब तक डिवाइस ड्राइवर ना हो, आपका हार्डवेयर या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके उस डिवाइस को समझ नहीं सकता। इसलिए कभी भी आप कोई नया प्रिंटर इंस्टॉल करोगे या कोई प्रिंटर लेकर आओगे, रखोगे, उसे डायरेक्ट प्रिंट नहीं निकाल सकते, आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है। तो वो ड्राइवर इसीलिए होता है, वो एक तरीके से क्या करता है, अपने स्पेसिफिकेशंस या उस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन का वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है और हार्डवेयर को पता चलता है, क्लियर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी डिवाइस आ गई जिसका ड्राइवर जो है कंपैटिबल नहीं है, एरर आने लग जाता है सिस्टम में कि इसको यूज नहीं कर सकते, ड्राइवर कंपैटिबल नहीं है, अपडेट करो उसको, तो फिर उसको अपडेट करना पड़ता है, राइट। ये सारी चीजें, तो ये सारा मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब समझ लीजिए ये सारी चीजें अगर आपको मैनुअली करनी पड़े तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। उसके बाद आता है यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, ये स्क्रीन, ठीक है, इसके एलिमेंट्स, हर एक चीज, और सिर्फ यूजर इंटरफेस में एक स्क्रीन नहीं आती, और भी जितने आउटपुट हमको शो होने रहते हैं, जो डायमेंशन में होना रहता है, जो कुछ भी होता है, वो पूरा इंटरफेस भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, ठीक है। अगर आप पुराने जमाने के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओ, डॉस वगैरह में, तो आपको एक एक कोड, आपको सिर्फ कुछ सफेद कलर के लिखे हुए टेक्स्ट और एक बड़ी सी काली स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिख सकते हैं उसमें, लोगों ने उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके चांद पे जाने का कोड लिख दिया, ठीक है। तो देवर यू नो सुपर इंटेलिजेंट, हमारे पास तो पूरा पूरा मैकेनिज्म होता है, आईडीई होता है, आप कुछ लिखो वो आगे का पूरा कंप्लीट कर देता है, राइट। एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसके अंदर क्लासेस अपने आप डिफाइन करके बता देता है। तो ये सारी चीजें आप एक राइट क्लिक करो, आप फोल्डर बना लेते हो, राइट। कोई भी चीजें कट कॉपी पेस्ट, ये सब चीज डॉस में नहीं होती थी या पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नहीं होती थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा इंटरफेस देता है यूजर को जो जिसकी वजह से हम फ्रेंडली हो सके। आपको मालूम है कंप्यूटर घर घर में यूज कब होने लगा? जब विंडोज आया, ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले आ गया था, जब विंडोज आया, विंडोज ने बताया कि हम सिस्टम को इतना इजी बना सकते हैं। पहले सिस्टम वॉज नॉट इजी टू यूज, पहले जो दौर था कंप्यूटर सिस्टम का, जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की, GUI विंडोज के पहले या GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले, एक इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले, कंप्यूटर को यूज करना वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। साइंटिस्ट जो होते थे, इसलिए पहले एक कोर्स होता था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसमें कंप्यूटर के वो हार्ड ड्राइव, डिस्क, इन सबको पढ़ते थे लोग, क्योंकि उनसे भी तो इंटरैक्ट करना होता था ना। तो इस तरीके की चीजें पहले होती थी, कोई इंटरैक्टिवनेस नहीं था। तो पहले सारी चीजें देखे ना आप लोग, मैनुअली होती थी। पहले के बैंक कैसे होते थे? मैनुअल। पहले के कॉलेजेस, वो सब भी मैनुअल होते थे, राइट। मतलब हर चीजें किताब में लिखी जा रही है, क्यों? क्योंकि सिस्टम में लिखना बहुत आसान नहीं था, वो स्टोर कर सकता है विनो, बट उसको लिखने के लिए एक टेक्निकल स्किल चाहिए। अब क्या हो गया है, इतना ईजी हो गया है कि कोई छोटा बच्चा भी ये चीज सीख के 10 दिन में कर सकता है, राइट, कि अच्छा ये सेव करना है, ओके मैं कर सकता हूँ। एक इंडेक्स, एक एक्सेल की फाइल बनानी है जिसमें इंडेक्सिंग रखनी है, सारे डेटा रखने है, हम रख सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें क्या है? इंटरफेस है। ये क्या है? इंटरफेस है, जो यूजर को प्रोवाइड किया गया, किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। ये अगर चीजें ना हो तो घर घर में कंप्यूटर यूज नहीं किया जा सकता। और घर घर तो छोड़िए, जो क्या बोलना चाहिए, टेक्निकल पर्पज के अलावा जो यूज करते हैं, जैसे अकाउंट्स वाले यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले यूज कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, आप अपना सिस्टम, अपना फोन यूज कर रहे हो आप, ये सारी चीजें भी यूज की नहीं जा सकती थी, ठीक है। सोचिए ना, अगर आपको अपने फ्रेंड को कॉल करने के लिए कम से कम 20 लाइन का कोड लिखना पड़े, हैश इंक्लूड एसटीडीआईओ डॉट से शुरू करके,
गेट सी एच या क्लियर स्क्रीन तक, तो आसान रहेगा क्या ये? नहीं रहेगा, डेफिनेटली नहीं रहेगा। और आप तो फिर भी कर लोगे, आपको पता है। थॉट अबाउट योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, जो ले दे के यही वाला फोन चला रहे हैं। इवन कई चीजें ऐसी होती है जो मेरे पेरेंट्स तो हटा ही देते हैं, इसको ये हमारे समझ का नहीं है, इसको हटाओ। होता है ना, सबके घर में होता है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, राइट? वी आर अवेयर, बट स्टिल वी विल फेस डिफिकल्टी इफ यू नो थिंग्स हैपन लाइक दैट। बट यहाँ पर तो अभी ऐसा नहीं है, हमको इंटरफेस प्रोवाइड है। कॉन्टैक्ट में जाओ, नंबर देखो, बटन दबाओ, कॉल करो, पीछे प्रोग्राम ही चल रहा है। लेकिन बेटा ये समझ जाना, ठीक है ना, कोई भी काम के पीछे क्या चल रहा है? प्रोग्राम ही चल रहा है। आगे हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या है? इंटरफेस है, ठीक है। दैट इज द बेस्ट क्या बोलना चाहिए, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से हम यूज कर पाते हैं। हाँ, IBM, हाँ हाँ, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, विंडोज थे, मैकिंटोश थे, IBM थे, सब एक एक वर्जन तो सबका पैरेलल ही है। बट स्टिल आई विल से कि विंडोज ने जो काम किया है कंप्यूटर, क्या बोलना चाहिए, IT रिवॉल्यूशन का, वो बाकी उतना नहीं कर पाए, ठीक है। आप जानते थे कि, आप लोग खुद सोचिए ना, जब से ऑपरेटिंग सिस्टम, जब से कंप्यूटर देख रहे हो, पहले वो चार खिड़की ही आती है, राइट? हमको लगता था कि ये कंप्यूटर का पार्ट है। जब हम छोटे थे, हमको थोड़ी मालूम था कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, को लगता था यही कंप्यूटर है, राइट? सो दैट इज देयर। हाँ, OS का जियो था वो, गुड वन। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट नहीं? देखिए, साथ ही साथ कंप्यूटर सिस्टम हमको सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है, जस्ट अ सेकंड, में पानी पी लो। मैक के कुछ वर्जन आए थे, अंशुल, तनवर, ये सारी चीजें रिसर्च पर्पस के लिए चल रही थी। यस, हाँ, लेकिन अगेन, IBM, Mac, कोई भी आ जाए, जैसे कि मैंने कहा, IT रिवॉल्यूशन लेकर कौन आया? विंडोज, ठीक है। तो अगर हम सिक्योरिटी और इसकी बात करें, प्रोटेक्शन की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिर्फ सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता, वो अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन एज इन कि हमारा जो भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे होता है, उसको सिक्योर करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, उसको प्रोटेक्ट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऐसा नहीं कि ये कोई एक सिस्टम है जो क्या बोलना चाहिए, नेटवर्क का पार्ट है, तो सारी चीजें नेटवर्क में अपने आप पहुंच जाए, पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो ये भी मैनेज करता है कि जो मेरे अंदर या मेरे हार्ड डिस्क में डेटा है, वो डेटा कैसे सेफ रहेगा, उसको कैसे मैं लीक होने से बचा सकता हूँ, हैक होने से बचा सकता हूँ, कैसे उसकी सिक्योरिटी ब्रीच से हम उसको सेफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके सिस्टम्स में फायरवॉल लगते हैं, आपके सिस्टम्स में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स डलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को ही सिक्योर करता है। अदरवाइज आज के दौर में जितना हम नेटवर्क से कनेक्टेड है, जितना हम नेटवर्क का पार्ट है, हमारा फोन हमेशा, जिसका डेटा हमेशा ऑन रहता है, राइट, हमारे फोन का डेटा हमेशा ऑन रहता है, मतलब वी आर ऑलवेज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो उस चीज में, अगर उस स्टेज पे हमारे पास इस लेवल की सिक्योरिटी ना हो, तो हमारा ना प्राइवेसी है, ना प्रोटेक्शन है, ना ऑथेंटिसिटी है, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो होता है, वो किसी स्पेसिफिक टास्क को, किसी नंबर ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है। बट अगेन, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, हम सिस्टम्स को भी कनेक्ट करने लग गए, ठीक है, और उसका हमने एक नेटवर्क बना लिया, फिर उन नेटवर्क्स का नेटवर्क्स बना लिया, और फिर सारी चीजों को एक आपस में जोड़ के इंटरनेटवर्क बना लिया, और वो क्या बन गया? इंटरनेट बन गया, राइट? तो जब कभी भी अगर हम उसको एक इनिशियल से भी देखें कैसे कम्युनिकेट होता है, तो जब कभी भी अगर दो सिस्टम भी आपस में जुड़े हुए, मान लीजिए, नॉट टॉकिंग अबाउट द होल इंटरनेट, अगर दो सिस्टम भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में वाई नीड एंटीवायरस, ओके, गुड टॉपिक टू डिस्कस। चलिए पहले इसी पर डिस्कस करते हैं। सी, यस सर, प्लीज एक्सप्लेन। यस 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 यस
डेफिनेटली सी, एंटीवायरस क्या होता है बच्चों? एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक, ऐसा नहीं है कि एंटीवायरस के बिना आपका जिंदगी में कोई काम नहीं होगा. आपका सिस्टम बहुत चलता है जैसा वैसा चलेगा. ठीक है, आपका सिस्टम जैसा काम परफॉर्म करता है वैसे ही काम करेगा. एंटीवायरस आपके सिस्टम को कोई फास्ट वास्ट नहीं कर रहा है. चीजें सब सही है. ठीक है, एंटीवायरस को आप बिल्कुल लाइफ इंश्योरेंस से लेकर चलिए, समझते चलिए. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? कुछ हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस जनरली एक सेफ्टी होती है, राइट, सिक्योरिटी होती है, राइट, कि अगर कल को हमें कुछ हो जाए तो. सबको पता है ना, मरना तो सबको है, बट स्टिल हम लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर कोई चीज, कोई भी चीज, इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट हमारे साथ होता है, कोई हादसा हमारे साथ होता है, तो उसकी भरपाई के लिए वो चीज होती है, राइट. हम एक क्या बोलना चाहिए, सेफ डिपॉजिट अपने साथ लेकर चलते हैं. ठीक, एंटीवायरस को थोड़ा बहुत अगर हम उससे रिलेट करें, हाँ, पैसा आफ्टर डेट टू कवर रिस्क. यस, दैट इज द करेक्ट आंसर अंशुल तनवर, टू कवर रिस्क. ठीक है, तो एंटीवायरस जो होता है ना, अब लाइफ इंश्योरेंस जो वो होती है, पॉलिसी होती है, वो मरने के बाद काम आती है, राइट. ऐसा नहीं होता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है और बीच में कोई LIC वाला आके खड़ा हो जाएगा, ये इसका पॉलिसी, ये नहीं मर सकता. होगा ऐसा? नहीं होगा. बट एंटीवायरस ये काम करता है. ठीक है, जब कभी भी आपके सिस्टम को कोई हार्म पहुंचने वाला हो, जब कभी भी कोई आपके सिस्टम को हार्म पहुंचने वाला हो, एंटीवायरस आके सामने खड़ा हो जाता है. ठीक है, कि ये आपको वो डायलॉग है ना, मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, उस टाइप का. ठीक है, तो एंटीवायरस अगेन एक प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, मतलब सॉफ्टवेयर है. ठीक है, एंटीवायरस अगेन एक सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे सिस्टम की एक्टिविटीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है. ठीक है, आपके नेटवर्क से आने वाले पैकेट्स को मॉनिटर करता है, आपके डाउनलोड होने वाली फाइल्स को पहले स्कैन करता है फिर डाउनलोड करता है. क्यों करता है? क्योंकि देयर आर वेरियस 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 मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स. मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में अभी, फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड IT सिक्योरिटी. सॉरी, दो अलग अलग सब्जेक्ट है ये, फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड IT सिक्योरिटी, अलग अलग क्लास में. तो वहां पर हम बहुत डिस्कस करते हैं इन चीजों को. तो देयर आर वेरियस वेरियस मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स, जिनको हम मॉलवेयर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मॉलवेयर्स बोलते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे अटैक होते हैं जो हमारे सिस्टम में हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता. हमारे सिस्टम का डेटा उनके पास पहुंच जाता है और हमको पता भी नहीं चलता. कुछ डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ डेटा इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं, बट उनके पर्सपेक्टिव से दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं. आप लोगों में से बहुत लोग इस क्या बोलना चाहिए, अटैक का शिकार हुए होंगे, जहां पे आपके पास व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, या तो स्पिन द व्हील वाला आता है, या लिखा रहता है ₹1 में आईफोन जीती है. है ना, अमेजोन दे रहा है ₹1 में आईफोन, आता है. ऑनलाइन वालों में भी ऐसे कई होंगे जिनके पास ये आता होगा, राइट. एक लिंक आती है, मैलवेयर वर्सेस ट्रोजन सर, दैट टू, डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक. अलग चीज है, ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर एक ही है. सी ट्रोजन हॉर्स जो है वो सबसेट है मैलवेयर का, बट अगेन डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक. ठीक है, तो हम कहां थे, क्या बता रहा था मैं आप लोगों को? हाँ, तो हम यस तो हम वो व्हाट्सएप मैसेज की बात कर रहे थे, जिसमें लिंक आता है कि अमेजोन जो है कोई ऑफर चल रहा है जिसमें ₹1 में आपको क्या मिल रहा है, आईफोन मिल रहा है. या स्पिन करते हैं तो आपको कोई 50,000-40,000 का आइटम आता है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, पहले उसमें अपना नाम डालते हैं, अपना नंबर डालते हैं, अपना ईमेल आईडी डालते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, और अगर आपके पास कोई ओटीपी आया तो आप वो ओटीपी भी डालते हैं. ठीक, सब वो कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद आप उसको अप्लाई करते हैं, क्लेम करते हैं अपना प्राइस. यस लॉटरी भी, बिल्कुल अपना प्राइस क्लेम करते हैं. ठीक है, अब जब आप अपना प्राइस क्लेम करते हैं तब वो क्या बोलता है, इसको 10 अलग अलग ग्रुप में भेजिए. क्या बोलता है? इसको 10 अलग अलग ग्रुप में भेजिए. और 10 में भेजने के बाद भी वो सफिशियंटली उसको नहीं लगता, वो सिर्फ थोड़ा 3 या 4 हुआ ऐसा बोलता है, और भेजते रहिए ऐसा बोलता है. तो दैट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक. उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग अटैक. कोई लेजिटिमेट वेबसाइट या कोई लेजिटिमेट पर्सनैलिटी बन के आपका डेटा चुरा रहा है. ठीक है, अमेजोन के नाम पे आपके सारे डेटा चुरा लिए जाते हैं. कौन सा डेटा?
जो आप खुद डाल रहे हो, आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, फिर उसके बाद आपको स्पैम ईमेल्स आएंगे, ब्लैंक कॉल्स आएंगे, ठगी के फोन आएंगे, स्पैम मैसेजेस आएंगे, और आपके व्हाट्सएप में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे मैसेजेस, या इवन ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपके सिस्टम की उनके पास चली जाएं, ऐसे भी बहुत सारे वायरसेस आ सकते हैं, राइट। कभी भी इन सब चीजों का, इन सब फ्रॉड्स का पार्ट ना बने, क्योंकि आप खुद से अपना डेटा दूसरों को देते हैं, ठीक है। फ्रॉड हो रहा है आजकल तो सर, बैंक खाली हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटीवायरस। अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस है, तो अगर आप किसी, आपको कोई एक स्पैम मेल भी आएगा ना, तो उसमें अगर कोई फाइल अटैच है, तो वो पहले आपको बोलेगा कि आप परमिशन दो, तभी मैं ये डाउनलोड करूंगा। वो पहले एक रेड कलर का बॉक्स पॉपअप कर देगा, वो ये बताएगा कि देखो इसमें रिस्क है, ये सिक्योर साइट से नहीं आया, इसमें रिस्क है, अगर आप इसको जानते हो तो ये अलाउ करो, या मुझे बोलो, मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ, ऐसा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वायरस डू, सॉरी एंटीवायरस डू, ठीक है, कि मेरे सिस्टम पे कोई भी आज पहुंचाने से पहले आपको, मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसा, ठीक। सो आई थिंक एंटीवायरस क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ती है, ये रॉबिन और साहिल को ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गया होगा। सर जी, हाउ सिस्टम नोज इफ अ फाइल इज वायरस और नॉट? सी, देयर आर मेनी मेनी टाइप्स, मेनी टाइप्स। सी, शायद जैसे आप इंटरेस्टेड हैं साइबर सिक्योरिटी में, मैं भी बहुत इंटरेस्टेड रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में, बट अगेन अगर हम वहां पढ़ने चले जाएंगे तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इसका अलग डिस्कशन का भी हम कर सकते हैं, डेफिनेटली, बट टुडे इज नॉट द डे, और मे बी दिस क्लास इज नॉट मेंट फॉर दिस, ओके। हाँ, अगर ओवरव्यू में बताया जाए तो अलग अलग फाइल के टाइप होते हैं, अलग अलग उनके कंटेंट होते हैं, हर अटैक की अपनी एक निशानी होती है, ठीक है, जो सिस्टम पढ़ लेता है। हर फाइल में अपनी एक एड्रेस होता है, अपना एक लिंक होता है, अपना एक क्या बोलना चाहिए, हेडर फाइल होती है, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि ये फाइल जो है ये डेंजरस हो सकती है, ठीक है ना, वो शक की निगाह में आ जाती है वो फाइल, सस्पिशियस फाइल। मैकबुक में एंटीवायरस की जरूरत क्यों नहीं होती? जिस तरह लिनक्स में जरूरत नहीं होती एंटीवायरस की, उसी तरह मैकबुक में भी जरूरत नहीं होती एंटीवायरस की। एंड द रीजन इज एज सिंपल एज दैट, देयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर हाईली सिक्योर, देयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर हाईली, आई मीन दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर हाईली सिक्योर। चाहे आप मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, वो लोग बहुत ज्यादा, उनके अंदर इन बिल्ट एंटीवायरस रहता है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। विंडोज में नहीं होता, विंडोज में बहुत सारे क्या बोलना चाहिए लूप होल्स हैं, क्योंकि वो उतनी इंटरएक्टिविटी प्रोवाइड करता है। आप लिनक्स चलाइए, मैक चलाइए, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि विंडोज चलाना आसान है, ठीक है। तो जहां चीजें आसान होती है वहां उनको ब्रेक करना भी आसान होता है, राइट। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, वो एक मैकेनिज्म है, आप उसको एंटीवायरस बिल्कुल मत समझिए, बट वो एक मैकेनिज्म है जो इन बिल्ट होता है, राइट। नाउ आज हम, आज की क्लास बिल्कुल यहां पर समाप्त करेंगे। सर, विंडोज डिफेंडर सिस्टम क्या एंटीवायरस है? बहुत कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा एक रोल प्ले करता है एंटीवायरस होने का, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा प्रोसेस मैनेजमेंट, आज हमने पढ़ा मेमोरी मैनेजमेंट, आज हमने पढ़ा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है। इतनी चीजें हमने ओवरव्यू में देखी है, आगे इन्हीं सबको हमको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, इनके प्रोटोकॉल्स, इनके एल्गोरिदम्स और इनकी टेक्निक्स के साथ, ठीक है। ये अभी हम डिस्क्लोज नहीं करने वाले, ये सरप्राइज है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने लेक्चर्स होंगे, ठीक है। यस, थैंक यू। ओके, तो इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, ऑनलाइन प्लीज रेज, ऑफलाइन किसी को कोई डाउट नहीं? सर प्लीज टेल व्हाट इज द टॉपिक फॉर पीएचडी? द टॉपिक ऑफ माय पीएचडी इन जनरलाइज्ड टर्म इज एडवांस्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर बहुत स्पेसिफिक बताऊं तो
handover management protocol for integrated terrestrial and non-terrestrial networks. So kahin na kahin hum 6G ke liye kaam kar rahe hain. Okay, thank you all, have a nice time.